हेलो एंड वेलकम टू श्री राधा वल्लभ अकेडमी क्लास टू सब्जेक्ट टीवीएस चैप्टर फोर स्वीट हाउस। स्वीट हाउस मीन्स प्यारा घर। नाउ टेक आउट योर बुक्स, ओपन योर पेज नंबर 22। ओके, चैप्टर फोर स्वीट हाउस प्यारा घर। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द पार्ट्स ऑफ योर हाउस। अब इसमें पिक्चर्स दी हुई हैं, आप ये देखेंगे कौन सी पिक्चर आपके घर का कौन सा भाग है। ओके, फर्स्ट में क्या दिया है, टेल, किचन। सेकंड, ठीक है, फर्स्ट किचन आपके है, सेकंड में क्या है, ये डेजर्ट वाला रेतीला रेगिस्तान वाला रखा है, तो रेगिस्तान आपके घर में होता है कहीं नहीं ना, इसलिए इसे रॉन्ग कर दो। थर्ड पिक्चर इज, ये ड्राइंग रूम दिया है जिसमें सोफा ये सब रखे होते हैं, तो क्या बोलते हैं, सिर्फ ड्राइंग रूम बोलते हैं, ठीक है, आपके घर में होता है, इसे आप टिक करेंगे। फोर्थ पिक्चर देखिए, ये रिवर दिख रही है, क्लाउड दिख रहे हैं, तो ये भी घर में नहीं होता है, ये भी क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद देखिए आप, बेडरूम है, बेडरूम है आपके घर में, आप इसे टिक कीजिए। लास्ट है ये, नाउ स्टार्ट। वी नीड हाउस, वी मीन्स हमें हाउस चाहिए, चाहिए आपको रहने के लिए घर। Man needs house to protect himself from heat, cold and rain. A house in which we live with our family is called home. Is called our home. अब हम लोगों को रहने के लिए क्या चाहिए, घर। घर हमें किससे बचाता है, धूप से, धूल से, सर्दी से और बरसात से। A house in विच वी लिव विद अवर फैमिली, जब हम भी पूरे फैमिली के साथ में रहते हैं, मम्मी पापा या ग्रैंड पेरेंट्स, इन सबके साथ में। आपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में यही पढ़ा था आपने, फैमिली किसे कहते हैं, जब फैमिली के साथ किसी घर में रहते हो तो उसे होम कहते हैं, घर कहते हैं, है ना। लिविंग टूगेदर टीच अस टू लव वन अदर, हम लोग एक साथ रहते हैं तो हम लोगों को क्या सिखाते हैं, लव करना सिखाते हैं, मतलब आप प्यार से सामंजस्य रहिए। क्लास में आप जैसे रहते हो तो एक दूसरे के साथ बैठते हो तो फ्रेंडशिप हो जाती है ना, बच्चे आपस में एक दूसरे शेयरिंग करते हैं, हर चीज़ कुछ चीज़ लाते हैं, अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, खेलते हैं साथ में, सब मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे ही घर में सब लोग साथ में मिलके रहते हैं तो आपको एक दूसरे से मतलब एक साथ रहना सिखाते हैं। इट ऑल्सो टीच अस टू शेयर वर्क एंड थिंग्स, और हम लोग वर्क भी शेयर करते हैं और थिंग्स भी, जैसे मम्मा खाना बना रही थी, पापा बाहर का काम कर देते हैं, दादी कुछ काम कर देती हैं, बुआ कुछ काम करती हैं, ऐसा होता है ना, और आप लोग भी छोटी छोटी हेल्प करते हो। वी रेस्ट एंड स्लीप एट होम, हम लोग आराम करते हैं घर पर और सोते हैं। सम होम गिव अस कम्फर्ट, होम हमें ऐसा, होम मतलब घर हमें आरामदायक जगह है। जब हमें अपना घर याद आता है, जब हम बहुत थक जाते हैं या कहीं बाहर से आते हैं तो हमें घर बहुत अच्छा लगता है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, अब सबके हाउस एक जैसे नहीं होते, अलग अलग तरीके के हाउस होते हैं। अब गांव में देखे होंगे आपने, अलग तरीके के हाउस हैं, शहरों में अलग होते हैं, या आपके यहाँ अलग हैं, या उन पहाड़ी इलाकों में अलग हैं, बरसात जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ अलग अलग तरीके के अलग अलग हाउस होते हैं, समझ गए। कच्चा हाउस, कच्चे हाउस जो होते हैं, जो मिट्टी से डंडों से, बाँस से, घास से बने होते हैं। हाउस मेड अप ऑफ लीव्स, किससे बने होते हैं कच्चे हाउस, लीव से, स्ट्रॉ से, ब्रांचेस ऑफ लीव्स एंड मड आर कॉल्ड कच्चा हाउस। जो किससे बने हैं, स्ट्रॉ से, घास, ब्रांचेस ऑफ लीव्स मतलब टहनियाँ, पत्तियाँ और मिट्टी से बने हैं, वो कौन से हाउस है, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, आयरन, वुड एंड सीमेंट्स आर कॉल्ड पक्का हाउस। जो हाउस स्टोन से, आयरन से, वुड से और सीमेंट से बनते हैं उनको पक्का हाउस कहते हैं। जहाँ अभी हम लोग जो जिन हाउसों में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पक्के हाउस हैं। और जो गांव में कई बार आपने देखा किसी का मिट्टी का घर बना हो या डंडियों से बना हो या कहीं अपन घूमने जाते हैं देखने को मिलते हैं, तो वो कच्चे हाउस हैं और अपने जो जो रह रहे हैं वो पक्के हाउस हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट हाउस, इन्हें हम परमानेंट हाउस कहते हैं क्योंकि ये टूटते नहीं हैं, एक बार बन गया हमेशा के लिए हो गया। बंगलोज एंड फ्लैट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउस, जो बंगलो होते हैं, बड़े बड़े
बड़े बड़े बंगले बने होते हैं आपने देखे होंगे, और फ्लैट्स हैं, वो क्या है एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है? पक्के हाउस का। आपके घर है, स्कूल है, बिल्डिंग है, ये सब क्या है? पक्का, पक्के हाउस। मतलब अब स्कूल को हाउस तो नहीं कहेंगे, वो स्कूल है लेकिन है तो पक्का। ओके नाउ अब टेम्पररी हाउसेस। सम पीपल लिव एट वन प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड। कुछ लोग कुछ समय के लिए एक जगह पर रहते हैं, फिर वहाँ घर बना लेते हैं, तो वो कैसे टेम्परेरी हाउस हो सकते हैं? आपने देखा होगा कहीं वर्क चलता है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पर हल्के फुल्के छोटे से घर बना लेते हैं लेबर वगैरह, तो वो कैसे है टेम्परेरी हाउस, क्योंकि वो उस टाइम बना लेते हैं, फिर उनका काम खत्म हो जाता है, वो वहाँ से उठा के दूसरी जगह बना लेते हैं। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दे बिल्ड हाउसेज दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जहाँ उनको काम मिल जाता है उस हिसाब से वो लोग जाते हैं, और वहीं छोटा सा ऐसा टेम्परेरी हाउस बनाते हैं और दूसरी जगह पर चले जाते हैं। सच हाउसेस आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेस, इनको क्या कहते हैं टेम्परेरी, क्योंकि इन्होंने जब तक काम चला तब तक उन्होंने बना लिया। वो किसके बनाते हैं, हल्के फुल्के ऐसी टेंट लगा लिया या कुछ वैसे लगा लिया और बना लिया और चले गए वहाँ से, फिर दूसरी जगह गए, दूसरी जगह काम किया, वहाँ बना लिया उन्होंने, वो उठा लेते हैं। नाउ नेक्स्ट कारवैन। कारवैन इज अ हाउस ऑन व्हील। ये हाउस कैसे बने होते हैं, वो व्हील पे बने होते हैं, मतलब कोई गाड़ी में होंगे या किसी में, उनमें व्हील लगे होते हैं। इट कैन बी ड्राइवन फ्रॉम वन प्लेस टू अ प्लेस, वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं अपना घर, तोड़ते नहीं है, वो एक बार बने हैं लेकिन व्हील पे बने, उनमें पहिए लगे हुए हैं, अपने खिसका के कहीं भी ले जाते हैं। मोस्टली नोमाड हु डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस लिव इन सच हाउसेस, कई ऐसे लोग हैं जो एक जगह पे परमानेंट नहीं रहते हैं, उनके काम लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं हमेशा उस टाइप के हाउस बना के, एक शूटिंग वगैरह होती है या कहीं कुछ ऐसा काम करते हैं लोग, तो ऐसे ही हाउस में जाते हैं। नेक्स्ट टेंट। सम हाउसेज आर मेड ऑफ कैनवास, कई हाउसेज कैनवास के बने हुए हैं, दे आर कॉल्ड टेंट, ये टेंट होते हैं, मतलब वो कपड़े के बने होते हैं। पीपल पुट अप अ टेंट व्हेन दे कैंप आउट इन द ओपन, पीपल पुट अप अ टेंट व्हेन दे कैंप आउट इन द ओपन। माउंटेनियर्स एंड कैंपर्स पुट अप टेंट्स, अब क्या करते हैं जो माउंटेन्स पे जाते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते हैं ऊपर, तो वो तो बहुत महीनों में चढ़ पाते हैं, अब वहाँ थोड़ा ना कि आधे दूर चढ़ गए फिर वापस आके घर आ जाएंगे, उसके लिए वो क्या करते हैं वहीं रुकते हैं। अब आज टेंट लगा लिया उन्होंने, फिर ऊपर चढ़े, फिर वहाँ जाके रात हो गई, फिर वो क्या करेंगे वहीं टेंट फिर लगा लेंगे, फिर नेक्स्ट डे फिर चलेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर वहाँ रात हो जाएगी, फिर वहीं वो टेंट लगाएंगे, क्योंकि जानवरों से धूप से और बारिश से बचना है ना उनको, तो इस टाइप के वो हाउस माउंटेनियर्स और कैंपर्स जो होते हैं जो वो लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है, हाउस बोट पानी में चलते हैं। ओके, मैनी पीपल लिव इन हाउस बोट विच इज फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। ये हाउस बोट कहाँ मिलते हैं आपको देखने को, आपने कभी यहाँ देखा है? नहीं। हाउस बोट मिलते हैं कश्मीर में और केरला में, ये नदी में चलाते हैं। इसमें क्या करते हैं, वो घर बने होते हैं नदी में, वो चलते फिरते रहते हैं पानी के ऊपर। दे कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन वाटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग बोट, इनको क्या तैरते हुए नाव कहते हैं। अब इन्हीं में घर होता है, इनमें वो रहते हैं, सोते हैं, और घूमने लोग जाते हैं, वो लोग भी इसमें घूमते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल हाउसेस। स्पेशल हाउसेस कैसे होते हैं, सम हाउसेज आर मेड ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे आर लोकेटेड, कुछ हाउस अब उसकी जगह के हिसाब से बनते हैं। सच एज इग्लू। इग्लू कैसा होता है, पीपल इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, कई जगह बहुत बर्फ गिरती, अगर हमारे जैसे घर होंगे तो बर्फ गिरेगी तो हम उसमें छत पूरी दब जाएगी, तो ऐसे जगह पे घर कैसे बनते हैं, जैसे पिक्चर दी आपने देख रहे हैं, इग्लू की पिक्चर दी है, ये इस टाइप से घर बनते हैं। दे इनमें कौन रहता है, एक्सकिमोस लिव इन इग्लूज, कौन रहता है इनमें, एक्सकिमोस रहते हैं, और इग्लू पूरे शेप इस टाइप से बनाता है कि अंदर से पूरा गर्म होता है, बस इंसान हल्के से घुस के अंदर चला जाएगा, पूरा पैक होता है। ओके नाउ टर्न पेज नंबर 24। हाँ, पेज नंबर 24 इन
नेक्स्ट वीडियो।